Okay, so let's solve the remaining three problems. Find the number of seating arrangements for three men and three women to sit around the table so that exactly two women are together. देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ना वी कैन रीच टू द सेम आंसर इन वेरियस वेज. एक्चुअली पहले क्या करेंगे, पहले मैं जो एक आंसर बता रहा हूँ उसके हिसाब से, लेट्स से पहले थ्री मेन विल सीट अराउंड द टेबल. सो थ्री मेन, ओके, एम वन, एम टू, एम थ्री. तो वो कितने तरीके से बैठेंगे? ऑब्वियसली थ्री माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज टू फैक्टोरियल. तीन मेन बैठ गए. अब इन तीन में से कोई एक गैप में टू वुमन को बैठना है, राइट? तो वो एक गैप कैसे सिलेक्ट होगी? सो वन गैप कैन बी सिलेक्टेड एंड वो एक गैप सिलेक्ट होगी थ्री वेज से, या मैंने सिलेक्ट ही करना है तो आई कैन राइट थ्री सी वन लिख सकता हूँ मैं. एक्चुअली यहाँ पर अलग अलग, मैं जैसे बता रहा हूँ, अलग अलग अप्रोचेस रह सकते हैं. ओके, सो पहले तीन में से एक गैप सिलेक्ट हो गया, लेट्स से दिस, जहाँ पर मैं टू वुमन को बिठाऊंगा, राइट? एंड थ्री सी वन टू सिलेक्ट गैप फॉर टू वुमन, ओके. एंड अब मुझे बताइए, लेकिन टू वुमन कौन से, क्योंकि थ्री वुमन अवेलेबल है, तो थ्री में से दो वुमन कितने तरीके से सिलेक्ट होंगे? थ्री सी टू फेस टू सिलेक्ट टू वुमन, राइट? एंड उनको अरेंज करेंगे कैसा? थ्री टू फैक्टोरियल. तो एक काम करते हैं ना, ये थ्री सी टू इंटू टू फैक्टोरियल मतलब एक्चुअली थ्री पी टू. तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ओके, वहां पर टू वुमन एंड टू वुमन कैन बी अरेंज्ड देयर इन थ्री पी टू वेज, हो गया. एंड बचे हुए दो में से एक जगह कितने तरीके से सिलेक्ट होगी? टू वेज, राइट? वहां पर एक, जहां पर रिमेनिंग एक वुमन, एंड टू वेज या टू, क्योंकि टू गैप्स बचे हैं, टू पुट थर्ड वुमन देयर. तो क्या क्या तरीका है? टू फैक्टोरियल, थ्री सी वन यानी थ्री, एंड थ्री पी टू एंड टू. सो आंसर कैसा आया हमारा? टू फैक्टोरियल इंटू थ्री सी वन इंटू थ्री पी टू इंटू टू, विच इज टू फैक्टोरियल इज टू, थ्री सी वन इज थ्री, थ्री पी टू इज थ्री इंटू टू एंड इंटू टू. सो नाउ इट इज एट इंटू नाइन, विच इज 72. तो हमारा ये पहला क्वेश्चन का आंसर, जो एट्थ क्वेश्चन है, उसका आंसर आता है 72. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आप सोच सकते हो अलग अलग तरीके से, अगर कोई चीज छोड़ नहीं रहे हो आप कंसिडरेशन में, तो आपका आंसर करेक्ट ही आएगा. नाउ लेट्स मूव अहेड अगेन विद द नाइन्थ प्रॉब्लम. फोर ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक. Find the number of ways of arranging them in a circular order. Simple. पहले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 10. कितने तरीके से अरेंज होंगे? 10 माइनस 1 दैट फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे. लेकिन उनमें से चार ऑब्जेक्ट सेम टू सेम है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर रहेगा फॉर 9th क्वेश्चन. सो लेट मी राइट इट हियर. 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. नाउ 10th क्वेश्चन. 15 पर्सन सीट अराउंड द टेबल, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट हैव टू स्पेसिफाइड पर्सन नॉट सीटिंग साइड बाय साइड. तो सिंपली 15 जो लोग हैं, 15 लोग, राइट ना, वो 15 लोग कितने तरीके से बैठ सकते थे? 14 फैक्टोरियल. लेकिन उनमें से कोई दो लोग हैं जो साथ में नहीं होने चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट, अगर नो रेस्ट्रिक्शन रखा जाता तो इट इज 15 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल. ओके, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट हैव टू स्पेसिफाइड पर्सन नॉट सिटिंग साइड बाय साइड. ओके, ये 14 फैक्टोरियल हो गया. अब हम लोग निकालेंगे कि दो लोग साथ में अगर है ना, तो सपोज दो लोग, कोई को भी ए बी, मैं उनको साथ में ले लेता हूँ, और बाकी के 13.
टोटल ये एक बॉक्स हो गया, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 14 ऑब्जेक्ट्स। तो दो लोग हमेशा साथ में होंगे, कोई तो भी दो स्पेसिफाइड बोला है, हाँ करेक्ट। तो कोई तो भी दो लोग यानी ए बी, उन 15 लोगों में दो लोग हैं, एक का नाम ए है दूसरे का बी है, तो ए बी हमेशा साथ में है, तो ऐसे अरेंजमेंट कितने होंगे। तो यहाँ पर ये ए बी यानी एक ऑब्जेक्ट और बाकी के 13 यानी 14 ऑब्जेक्ट। 14 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से अरेंज हुए, 14 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 13 फैक्टोरियल इन टू वो ए बी की आपस में की अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल यानी 2, राइट। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा कि जब दोनों साथ में नहीं है तो टोटल अरेंजमेंट यानी 14 फैक्टोरियल माइनस वो रिमेनिंग दो कभी साथ में नहीं रहेंगे विच इज 2 इंटू 13 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल यानी 14 इंटू 13 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 13 फैक्टोरियल विच इज सिंपली 12 इंटू 13 फैक्टोरियल। सो आवर आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन 12 इंटू 13 फैक्टोरियल। नाउ इज देयर अदर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, आई थिंक हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको इसी क्वेश्चन का। पहले वो जो दो लोग साथ में रहने वाले हैं उनको अलग हटा दो, तो बाकी कितने बचे 13। ये 13 लोग कितने तरीके से राउंड टेबल पे बैठेंगे, 13 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। एंड अब 13 लोगों के बीच में गैप्स कितने आ गए, 13 गैप्स, राइट। उस 13 गैप्स में दो लोग, सो टू पीपल इन 13 गैप्स कितने तरीके से जाएंगे, 13p2 क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, या 13p2 इंटू 2 फैक्टोरियल से होता, बट इज 13p2 इट इज 13 इंटू 12। सो नाउ यू हैव 13 इंटू 12 इंटू 12 फैक्टोरियल विच इज ऑब्वियसली 12 इंटू 13 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से भी करोगे तो आपका वही आंसर आएगा। आई होप आप ये चैप्टर में कई सारे वेरिएशन आने की वजह से कन्फ्यूज नहीं होंगे, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि आप टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ जो कुछ भी वर्ड्स ये सब जब निकालते हो तो ट्राई टू रीच द आंसर। नाउ थैंक यू।